आज शुक्रवार है, क्यों पापा आज काट सकते हैं। मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अभी भी काणा, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। एंड अब ये सीन है कि रेडी हो गया हूँ, बस नाश्ता रेडी नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि नाश्ते में जो भी कुछ मिलेगा हम खा लेंगे। नाश्ता भी कुछ बना नहीं है, सनिया लगी हुई है लाडो को तैयार करने में, क्योंकि पापा ले जा रहे हैं लाडो को घुमाने के लिए सिटी, दादी के घर की तरफ, दीदी के घर की तरफ, मतलब उधर। तो नाश्ता करेंगे, फील्ड पर जाएंगे, और कल जैसे एक रैंडम जगह गया था मैं, आज भी ट्राई करूँगा ऑफिस टाइम के बाद में। देखो मैं ना लंच के लिए घर पे भी नहीं आया था, कल अगर चाहता तो मैं जिस समय मैं हरसला गया था करीब एक डेढ़ घंटा लगा था मेरे को, तो उस समय एक डेढ़ घंटे में मैं घर पे आके जा सकता था वापस काम पे। नाश्ता करते हैं, फील्ड पे चलते हैं, मिलता हूँ आपको फील्ड पे। गाइस मार्केट में आ गए हैं, एंड सबसे पहला टारगेट रहेगा अपना विजिट कम्प्लीट करनी है काम पहले, तो चलते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा बांधूंगा मुँह पे कपड़ा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, और धूप में बिना कपड़ा बांधे अगर निकलेंगे मार्केट में तो फिर भैया मतलब आपका भाई काला पड़ जाएगा। गिरा नहीं मैं, लेकिन हाँ ये हुआ था कि थोड़ी सी पाँव पे मेरे बाइक जो है गिर गई थी। मोबाइल वो कैमरा डाल रहा था अपने बैग में, तो बाइक का वेट सारा का सारा मेरे ऊपर आ गया। चलिए उठाते हैं इसको। गेट मेरी कंप्लीट हो गई है, और अभी मैं खड़ा हूँ तुलसी सर्कल पर। यहाँ पर मैं 15-20 मिनट से खड़ा हूँ, एक शॉट लेना चाह रहा हूँ मैं। बहुत सारे कबूतर हैं, उनका स्लो मोशन लेना चाह रहा हूँ, बट वो उड़ रहे नहीं हैं, और मेरा मन नहीं है कि उनको जाके उड़ाऊँ मैं। अब रैंडमली अगर उड़ गए तो, अरे ये अभी उड़े, ये अभी उड़े, और मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ तो मैं इनको ले नहीं पाया। तो मैं अभी निकल पड़ा हूँ, एक जगह जा रहा हूँ मैं, और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। नंबर एक, नंबर दो, बीकानेर से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर है वो, और मेरे को जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। जगह मतलब सेफ नहीं है, है भी और नहीं भी, थोड़ी सी थोड़ी ख़तरनाक जगह है, ठीक है। क्या छोड़ेगा मेरा साथ, कभी नहीं छोड़ सकता। तो मैं जैसा आपको बताया मैंने, मैं कहीं जा रहा हूँ अभी, और बस बाइक स्टार्ट कर ही रहा था, ये मेरा भाई मिल गया मेरे को। जैसा मैंने आपको बताया था फील्ड में क्या होता है, फील्ड में काम टेंशन नहीं, ये मेरे वीडियो देखता नहीं है। फील्ड में घूमते घूमते भाई लोग मिल जाते हैं हमें कहीं पर भी, बहुत दिन में रहते हैं ना, हेलमेट हटाया भाई लोग दिल में रहते हैं। हाँ तो भाई लोग दिल में रहते हैं। कभी ना मैं इससे पहले मैंने शूट किया था, मैं कहीं जा रहा हूँ यहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर जगह है लोकेशन पर, तो सिर्फ एक दो मिनट की शूट करनी है वहाँ पे, उसके लिए इतना जा, और बहुत थोड़ा रिस्की एरिया है, जगह भी रिस्की है। रिवील नहीं करूँगा मैं, है नहीं साथ, साथ तेरी इच्छा है, देखते हैं भाई साथ चलता नहीं चलता, इसको बंद करता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं आ तो गया हूँ इस लोकेशन पे, और शायद आपको कुछ दिख भी रहा होगा यहाँ, लेकिन ये कहना चाहूँगा बहुत डर लग रहा है ज़्यादा, और मैं किसी को भी सजेशन नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप ऊपर आकाश में देख सकते हैं, ये आदमखोर गिद्ध आपको दिखाई देंगे। और मैंने एक भाई साहब को बोला था, मैंने कहा आप मेरी मदद करना भाई साहब, अब मेरे को यहाँ पर 1-2-4 भाई साहब कैसे निकल रहे हो इधर,
माइन चलागी। तो फिर आपा ने जी मान लो कोई शूट करना है तो क्या कर सा? यहाँ पर ट्राई करते हैं अंदर जाने की परमिशन मिलती है क्या। भाई साहब जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। सर राम राम। तो ये क्षेत्र है जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये है भाई साहब। भाई साहब का नाम नहीं पूछा, भाई साहब नाम बताइए। रोहित गोदारा। रोहित गोदारा, रोहित जी है मेरे साथ में, और बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, क्योंकि एक क्षण ऐसा आया था जब मेरे को फील हुआ था कि गिद्ध मेरे एकदम ऊपर उड़ रहे हैं, गिद्ध बाज सारे के सारे। तो मैं रोहित जी, आप साथ चलेंगे मेरे? चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रोहित जी मेरे को लगभग 4-5 किलोमीटर पहले मिले थे, और रोहित जी मेरे को तब से हेल्प कर रहे हैं, पूरा इन्होंने रास्ता बताया मेरे को और मेरे साथ साथ ही चले हैं। थैंक यू सो मच रोहित जी। चलिए अब चलते हैं अंदर। और रोहित जी, आप पहली बार जा रहे हो अंदर में या कभी गए हो आप? पहली बार जा रहे हो आप? तो रोहित जी भी पहली बार ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है रोहित जी को पहले का एक्सपीरियंस है। गंदी बदबू आने स्टार्ट हो गई अब, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो मैं अपने नज़रों से देख रहा हूँ ना, वो शायद आप कैमरे से नहीं देख पा रहे हो। बहुत ही विशाल का एक गिद्ध, और बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है इससे आगे जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ये देखिए, इन हैवानों की बात कर रहा था मैं, जो आप देख पा रहे हैं कैमरे में, और इनका साइज तो मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको। हे भगवान, आपने इनको इतने पास से कभी देखा है पहले? कैसा लग रहा है आपको भी? मैं तो थोड़ा छांव में ले लेते हैं। और क्या ही नज़ारा है, देखो आप। एकदम हमारे पास में, एकदम सर पे उड़ रहे हैं ये सब, और कहीं ना कहीं डर तो बहुत लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया जैसा अभी कर रहा हूँ मैं। ये मुझे लग रहा है हमारे आने के बाद में ज़्यादा सर पे आ रहे हैं। रोज जैसा लग रहा है आपको भी? लग गए ये। आवाज मैं तो सुन पा रहा हूँ, और अब ये संकेत दे रहे हैं कि हमें यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, और मतलब बहुत बड़ा एरिया है ये, जिसमें जो मृत शव है जानवरों के वो डाले जाते हैं। ये देखिए पेड़ का नज़ारा, पूरा पेड़ ऊपर से देखिए भरा पड़ा है ये। तो मेरे साथ है पुरखाराम जी, और सबसे पहले तो पुरखाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने परमिशन दिया हमें जाने के लिए और अंदर जाकर आए। अब आप बताइए, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? और यह साल हो गया 7-8 साल। 7-8 साल हो गया। तो अंदर जो इतने सारे गिद्ध हैं, ये पहले से ही यहीं पर हैं या कुछ इम्पोर्ट भी करते हैं हम लोग? ये इम्पोर्ट भी करते हैं, ये सिर्फ के है कि 5-4 महीना रुकते हैं बस गिद्ध। अच्छा, वहाँ के है कि बर्फबारी ज़्यादा, सर्दी होती है, तब सितंबर अक्टूबर में आए, ये धीरे धीरे आना चालू कर देते हैं, और यहाँ गर्मी होगी ज़्यादा तब मार्च अप्रैल में ये
वापिस उड़ जाते हैं यहाँ से, उड़ जाते हैं वैसे निकल जाता है यहाँ कुछ ही इंडियन वल्चर है जगह है, इजिप्शियन है दौड़ा वाला छोटा वाला आमो कुछ बनचत बनचे और सारा सारा निकल जाए घर में। मई जून का महीने मई जून जुलाई बीन टाइम में बिल्कुल खाली सौ ग्रह पूरा खाली रहता है ये दस बीन टाइम महीने कुछ बचते है। अच्छा और बाकी सारा सारा तो बहुत बहुत धन्यवाद लुकराज जी। तो गाइज़ मेरे भी रूम कांप की बिल्कुल भयंकर वाली। मैं इस लोकेशन पर आपको दिखेगा अभी, मैं यहाँ पर ना एक स्लो मोशन बना रहा था और एक एक गिद्ध है ना एकदम, तो मेरे कसम से कह रहा हूँ यार एकदम तेज तेज आवाज़ आने लगी मेरे को उसकी, कौ 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 ऐसा कर रहा था। और ये जो आपको दिख रहा है ये कीकर, इसके जस्ट इस हाइट पर मेरे मतलब इस हाइट पर एकदम आ गया था। मैंने बस ये मेरा ट्राइपॉड है, इस कैमरे से मैंने ऐसा ऐसा किया और उसको भगाया। घर पे खाएंगे दही रोटी मतलब खाना खाएंगे और दही खाएंगे साथ में। और सच बताऊँ तो अब मेरे जान में जाना ही है, आपको तो पता ही है क्या हुआ मेरे साथ। मत जाना रे अरे मत जाना रे। ये देखो मेरा खाना लग गया है। क्या आपका खाना है? मेरे थाली लगा दी है बड़ी सारी। अभी दादी वो बड़ी लगाई थी। धक धक हो रहा है, दिल धक धक मेरा, पता है ना क्यों हो रहा है? इसको नहीं पता, इसको कल पता चलेगा। तो खाना खाते हैं, नहीं गिरा नहीं, खाना खाते हैं, काम लगेंगे। बोलने दो मेरे को तो, उत्ते पीछे भागे गिर गए। खाना खाते हैं, काम करेंगे। क्या खाना क्या है? आलू सब्जी दही रोटी मोटे भुजिए मोटे चे मतलब सफेद वाली कुर्बानी, राम जी की कुर्बानी। हमारे स्नेहा बोलती है इनको क्या टेचे? मैं तो नहीं बोलती। तुमने बोला है, अब दिखाओ कौन सी होती है टेचे, दिखाओ उसकी। लाओ मेरे को दर्द वो पड़ा है, दिखा दो। तो ये आप जो देख रहे हो ना वाइट हींग की खुशबू है सारी, ये वाला ये जो है ये वाइट रसगुल्ला है, मतलब स्पॉन्जी नहीं है ये, इसलिए इसको टेचा बोलते हैं। ये मीठा ज्यादा है इसलिए इसको टेचा बोलते हैं। मीठा ज्यादा होता है ऐसे खाने के बाद यहाँ पे चिपकता है ये। ऐसा करते हैं अफ्रीकन इंग्लिश बोलते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं पता नहीं। पापा बात करा, पापा तो पापा का रिएक्शन लेंगे। ठीक है पापा, एक बात बताऊँ, आज यानी वीडियो बनाने वास्ते में बीकानेर से मतलब 15 किलोमीटर दूर गए हो। ठीक है बताऊँ कौन थाने में की जगह गए हो, काल थाने देख सो वीडियो। लेकिन जिस जगह गए हो नहीं मैं,
बात थोड़ी सी खतरनाक जगह है, बड़े हो सकते मैंने बहुत नुकसान पहुंच सकते, लेकिन फिर भी वीडियो बनाने वास्ते ले रहा हूं। खतरनाक जगह है, थे कल वीडियो देख सो तो हो सके थे देख डांट लगा दो कि थारा माथा खराब है कि इतने रिस्क क्यों लियो तो वीडियो बनाने वास्ते। 10 मिनट वीडियो बनाना खरीद मैंने, लेकिन थोड़ी सी खतरनाक जगह है, शारीरिक चोट पहुंच सकती है। बट हाँ, भगवान ने दया सुन कोई दिक्कत हुई नहीं। तो भाई अब जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, ये आ गया स्नेहा का फोन, आज इसका फोन लूंगा वीडियो में। मैं जा रहा हूँ दूध लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद आके कर दूंगा। अरे तो रख के चले जाओ ना, एक फोन तो दोनों खाते चले। चलो ठीक है ठीक है। स्नेहा ये वीडियो देखेगी, लेकिन स्नेहा तुम्हारे नेट की भूख ही रहती है, 1.5 GB डेटा मिलता है इसको पूरे दिन में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे इधर में जियो फाइबर की लाइन नहीं है, बहुत कष्ट हो रहा है। हे जियो वालों, हमारे इधर लाइन दे दो, हमें नेट का कनेक्शन चाहिए। अब प्रॉमिस करता हूँ अगर यहाँ पर लाइन आ गई ना, 10 कनेक्शन मैं रहूँगा मेरे गली में, प्रॉमिस। मीडिया वाले तो खाल थे, चल रहे काम है भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर में ना कांग्रेस वाले ये दावा कर रहे हैं कि हम आपको स्कूटी देंगे। अच्छा, तो मीडिया वाले पूछ रहे हैं स्कूटी कहाँ से दोगे। हाँ। तो घर से तो दोगे नहीं स्कूटी आप, कहाँ से दोगे तो। हाँ। और तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बस सुना है, वोट लेने इनको, वोट लेने इनको। खाना तैयार है? खाना तैयार है। तो क्या है खाने में? पालक, खाने में क्या है? पालक पनीर की सब्जी, पालक टमाटर। आज फिर धोखा, पालक पनीर बोल के पालक टमाटर खिला रहे हैं। पालक टमाटर ये रहा, पालक टमाटर और एक और सब्जी मेरे को दिख रही है, मेरी फेवरेट। बट मम्मी कम बनेगी और रोटी की, बहुत बस थोड़ी हो गई है मेरे, वो बिना चीनी की निकल गई है। ये सिर्फ इतनी सी बनेगी कि ग्वार पाठा जो है, मतलब एलोवेरा की सब्जी जो है, क्या पता किसी, मतलब बहुत सारे अंग्रेज लोग भी तो है मेरे, मतलब व्यूअर्स जो, तो जो ग्वार पाठा है उसकी सब्जी मेरे को बहुत पसंद है। क्या बोला रे तू? इसने एक रिएक्शन दिया, वापस कर, तो वापस कर, वापस कर। बाबू मेरा खा रहा है, जबा कर रहा है, जबा 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 कर रहा है, खींचे हवे। तो चलो खाना खाते हैं। और तो गाइस, तो अब हो गया दूध का नुकसान, ये देखो पूरा का पूरा दूध है जो फट गया। मेरे को ये नुकसान बेकार लगता है, बहुत दिल दुखता है। 100 रुपए का दूध था, 105 रुपए का। मैं बंद कर दूंगी इसको, गैस को। दूध फट गया है, इनको तमाशा मिल गया है कि इसमें ये डालेंगे, ये डालेंगे, इसको पनीर बनाएंगे। तो दूध फटा है, वो फटा है और चक्कर लगेगा अलग से। अब जा रहा हूँ वापस दूध लेने के लिए, फिर वापस आके काम करने बैठूँगा। ये लगा दूँगी थंबनेल, ओ नो दूध फटा। सो गाइस, वीडियो को करता हूँ यहाँ पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय, गुड नाइट, सब्सक्राइब करते रहना।